और जिनके भजन से अभी आप लोग लाभ उठा रहे थे, मशहूर गायक राजू परदेसी साहब जी, कि भगवान क्या है। भगवान का मतलब होता है भग धातु में वान प्रत्यय लगने से भगवान शब्द निष्पन्न होता है। भाग का मतलब होता है योनि, अवान का मतलब होता है चालक। योनि माने होता है संसार, जो संसार का जो चालक है उसका नाम भगवान है। अब संसार क्या है ये भी बहुत झंझट का विषय है। ग्रंथ शास्त्र में सात संसारों की चर्चा की गई है। एक संसार है पृथ्वी, ये पृथ्वी को संसार कहा गया है। पृथ्वी पर विचरण करने वाले जीव के लिए पृथ्वी संसार है। दूसरा संसार है जल, बहुत जीव जल में रहता है, जल में रहने वाले जीव के लिए जल संसार है। तीसरा संसार है वायु, बहुत जीव वायु में विचरण करता है, वायु में विचरण करने वाले जीव के लिए वायु संसार है। तीन संसार आपने देखा। चौथा संसार है पिता का अंश। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब आप कहां थे? पिता के अंश में। इसलिए चौथा संसार पिता का अंश है। पांचवा संसार है माँ का पेट, माँ के वध। पिता के अंश में से छिटक करके आप कहाँ चले गए? तब माँ के पेट में चले गए। अभी बहुत जीव बहुत बच्चा माँ के पेट में होगा, उसके लिए पेटे संसार है। माँ के पेट में ही खाता है, पीता है, सब काम उसको माँ के पेट में ही होता है। ये पांचवा संसार है। छठा संसार है शरीर। इस शरीर को संसार कहा गया है। सब आदमी अपने अपने शरीर में है, सब आदमी अपने अपने संसार में है। और सातवां संसार जीव शरीर से असंग है। अंतोगत्वा ये शरीर छूट जाता है। आप ये संसार से भिन्न है, आप नित्य है, आप अखंड है, आप तीनों काल का दृष्टा है। आप पहले भी थे, अभी भी है, शरीर नहीं रहेगा तो पर भी आप रहेंगे। आप नित्य हो, अखंड हो, आप सबसे भिन्न है। लेकिन कबीर साहब ने सबको भगवान कहा है, सबको परमात्मा कहा है कि सब घट मेरो साइया, सुनी से जन कोई, बलिहारी घट तासु की जागट प्रगट हो। का सब घट के अंदर वो मालिक है, सब घट के अंदर वो परमात्मा है, लेकिन बलिहारी वह घट का है जिस घट में वो प्रगट हो जाता है। इसलिए सब घट के अंदर परमात्मा है, उस सब के अंदर परमात्मा को झांको। भगवान का एक परिभाषा और है कि धर्म जस वैराग पुनि श्री ज्ञान विज्ञान या खट शक्ति जिनमें बसे ताही कहत भगवान। जिसके अंदर में धर्म हो, धर्म और संप्रदाय में अंतर होता है। संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते हैं, धर्म शाश्वत है, धर्म सब के लिए एक है। धी धातु से धर्म की पैदाइश हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो व्यवहार अपने लिए किया जाना सा समझते हैं, वही व्यवहार दूसरे के लिए करना, ये धर्म है। आप चाहते हैं कि कोई आदमी हमको गाली नहीं दे, गाली आपको पसंद नहीं होती है, तो आप भी किसी को गाली मत दीजिए, उसको भी गाली पसंद नहीं होगी, ये धर्म है। आपको कोई एक तमाचा लगाता है, आपको तकलीफ होती है, आप किसी को एक तमाचा मत लगाओ, उसको भी तकलीफ होगी, ये धर्म है। आप चाहते हैं कि हमारे बहू बेटी के प्रति कोई आदमी गलत दृष्टि से नहीं देखे, तो आप भी किसी के बहू बेटी के प्रति गलत दृष्टि से नहीं देखे, ये धर्म है। कबीर साहब ने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म है शांति सुख चैन। कबीर साहब ने कहा धर्म न हिंदू होता है
न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न यहूदी होता है, न पारसी होता है। धर्म का अर्थ होता है धारण कर। चित्त की जो निर्मलता है, चित्त की जो शुद्धता है, मन की जो निर्मलता है, उसको धर्म कहते हैं। जैसे आग है, आग का क्या धर्म है? आग का धर्म है उष्णता। कहीं गर्म लगे तो समझिए आग है, उष्णता उसकी समाप्त हो जाएगी, गर्मी उसकी समाप्त हो जाएगी। कोई आदमी उसको आग कहेगा? बल्कि देखो न जी, राख है, छाव है, आग नहीं। गर्म लगे तो आग है, गर्म नहीं लगे तो छाव है, राख है। पानी है, पानी का क्या धर्म है? पानी का धर्म है शीतलता। कितना खौला हुआ पानी है, अधधक जो आग पर आप डाल दीजिएगा तो पानी का धर्म है आग को बुझा देना। पानी का धर्म शीतलता है। हवा का क्या धर्म है? हवा का धर्म है कोमलता। पृथ्वी का क्या धर्म है? पृथ्वी का धर्म है कठोरता। अब मानव का क्या धर्म है? मानव का धर्म है मानवता। इसलिए कबीर साहब ने मानवता का पाठ पढ़ाया। कबीर साहब ने हिंदू का पाठ नहीं पढ़ाया, न मुसलमान का पाठ पढ़ाया, न सिख का, न यहूदी का, न पारसी का। झंडा ऊंचा रहे हमारा, साहब कबीर की परम प्यारा। मानवता दर्शाने वाला, प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला, ज्ञान की ज्योति जगाने वाला, सबको गले लगाने वाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, ऐसा सतगुरु राह बताई। सालिक सब मिल ध्वजा उठाओ, या झंडे पर बलि बलि जाओ। धर्म वीर रक्षा के कारण, धर्म वीर बनसान बनाओ। आज तक पक्का नहीं हुआ कबीर साहब हिंदू थे कि मुसलमान थे। संत हिंदू नहीं होते हैं, संत मुसलमान नहीं होते हैं। यदि हम कहते गांव में हिंदू संत आए हैं तो तुच्छ विशेषण हो गया। जब संत हो गया तो हिंदू कहां से आया? यदि हम कहते गांव में मुस्लिम संत आए हैं तो संत हो गया तो मुस्लिम विशेषण कहां से आया? इसलिए हिंदू को हो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना ही, अब पांच तत्वों के पुतला गैबी खेले मैं। इसलिए कबीर साहब न हिंदू थे न मुसलमान थे, बल्कि हिंदू के वे सदगुरु थे और मुसलमान के पीर थे। हिंदू के सदगुरु सही, मुसलमान के पीर, दादू दोनों दीन में अदली नाम कबीर। कबीर एक संयोजक शब्द है, कबीर एक दृष्टि है, कबीर एक प्रकाश है, कबीर एक सुलझाव है। आपके जीवन में किसी प्रकार की उलझन है, कबीर साहब के दर्शन में सब उलझनों का सुलझाव है। कबीर एक समाधान है, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, कबीर साहब के दर्शन में हर समस्या का समाधान है। जीवन के जितने पहलू है, हर पहलू पर कबीर का विचार है। इसलिए हर पहलू पर कबीर साहब ने अपना विचार दिया है। करहु विचार, जाते सब दुख जाई, पड़ी हरी झूठा केर सगाई। विचार से ही आपकी दुख की निवृत्ति होगी। चलू तो विचार करू, उठू तो विचार करू, बोलू तो विचार करू, हर काम आपका विचार में होना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा कि जिसके अंदर में धर्म हो, धर्म होगा तो जस होगा। आप चले भी जाएंगे तो आपके जाने के बावजूद भी आपका नाम संसार में अमर रहेगा। आज कबीर नहीं है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, महर्षि मिहि बाबा नहीं है, राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुष गांधी जी नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, ये लोग चले गए, लेकिन जाने के बावजूद भी इन लोग का नाम आज संसार में अमर है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया कि रुपया जो छपेगा, रुपया पर किस आदमी का पिक्चर देना चाहिए। उसमें निर्णय हुआ कि महात्मा गांधी का पिक्चर दिया जाए। आपके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोट को अदल बदल कर दिया। बहुत आदमी के अंदर में संदेह था, सस्पिशन था, शंका थी, नया नोट में से गांधी जी को हटा तो नहीं देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन हटाया नहीं, उसमें चार चांद लगा दिया। गांधी जी पहले साइड में थे, लेकिन जो भी नया नोट निकला है गांधी जी को आमने सामने कर दिया है।
दो हजरिया निकला वो भी बंद है, दो हजरिया के बीच में गांधी जी। पनसहिया निकला पनसहिया के बीच में गांधी जी। दुसहिया निकला दुसहिया के बीच में गांधी जी। नया एक सहिया निकला उसके बीच में गांधी जी। नया पचटकिया नया बिष्टकिया नया दस्टकिया जो भी नया नोट निकला है गांधी जी को आमने सामने कर दिया है। एगो भिकमंगा होगा भिकमंगा के जेब में वो पचटकिया होगा वो गांधी जी को दर्शन करता है। चौक पर जाइए चौराहा पर जाइए स्टेशन पर जाइए बाजार में जाइए खेत में जाइए कल्याण में जाइए सत्संग में जाइए कहीं भी जाइएगा गांधी जी के बिना काम चलेगा आपको नहीं चल सकता है। गांधी जी चले गए लेकिन गांधी जी का नाम आज संसार में अमर है। किसके बदौलत? तो धर्म के बदौलत, सत्य अहिंसा के बदौलत। विश्व के बहुत बड़े विद्वान आइंस्टाइन ने लिखा है कि लाइफ ऑफ ग्रेट मेन ऑलरेडी माइंड अस वी कैन मेक आवर लाइव्स सबलाइम इन डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द साइंस ऑफ टाइम। सभी महापुरुषों की जीवनिया हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर को अंत करेंगे तो हमारे पीछे समय रूपी बालू पर हमारे आचरण रूपी पद चिन्ह रह जाएंगे और उन्हीं को लोग अनुसरण करेंगे। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। पाइथागोरस ने कहा कि नो मैन इज फ्री हु कैन नॉट कमांड हिमसेल्फ। जो आदमी अपने स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो स्वतंत्र नहीं। सबसे बहुत बड़ी विजय है अपने आप पर विजय प्राप्त करना, अपने आप को संभालना, अपने आप को नियंत्रण करना, अपने आप को कमांड करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी विजय। जो आदमी अपना सुधार करता है वही आदमी परिवार का सुधार कर सकता है। जो आदमी परिवार का सुधार करता है वही आदमी समाज का सुधार कर सकता है। जो आदमी समाज का सुधार करता है वही आदमी देश का सुधार कर सकता है। जो आदमी देश का सुधार करता है वही आदमी संसार का सुधार कर सकता है। एक सदगुरु कबीर साहब आए धरती पर, आज पूरे विश्व में 20 करोड़ कबीरपंथी है। 20 करोड़ आदमी कबीर साहब के पद चिन्ह पर खड़े हैं। एक देश है वो देश का नाम है वेस्ट इंडीज, वहां के 1/4 कबीरपंथी है। महाराष्ट्र में 42 गांव है रघुवंश परिवार से जुड़े हुए हैं, 4200 गांव टोटल कबीरपंथी है। खाटी कबीरपंथी है, बकरपोसा कबीरपंथी नहीं है, कबीरपंथी है। बकरी चकड़ी पोसते हैं, मुर्गा मुर्गी पोसते हैं, पड़वा पड़की पोसते। कौन सी का कबीरपंथी है आप? गड़ा में कंठी आ माथा में तेल आ दूड़ा पर बकरी गोसाई कहिया भेल। जे पोसे बकरी तेकर घर रहे सकरी। का साधु होना है पक्का हो के खेल आ कच्चा सरसों पेड़ के खड़ी भया न तेल। कहां सरसों को पेड़िएगा तो न खैरे होगा न तेले होगा, न अही पार न वही पार। एक महर्षि मिही बाबा आए आ लाखों करोड़ों आदमी इसके पद चिन्ह पर खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी होती है सवेरे सवेरे आवाज आती है कि सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के ही विधि की जाए। अब मोरी मति अति नीच अनार। कितना बढ़िया पद है। अंतिम पद में उन्होंने कहा कि सदगुरु देवी अरु जो भय है होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत है में ही धन्य धन्य कही कही संत पद आशा सारी। इस पद में महर्षि मिही बाबा तीनों कालों को संतों को दिग्दर्शन कराया है। महर्षि महा के गुरु थे बाबा देवी साहब, मुरादाबाद के थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। और देवी साहब के गुरु कौन थे? तुलसी साहब हाथरस के थे। और तुलसी साहब के गुरु कौन थे? सब आदमी को पता नहीं होगा। तुलसी साहब के गुरु थे गरीब साहब। गरीब साहब के गुरु कौन थे? कबीर साहब। कबीर पंथ का है एक शाखा संतमत शाखा है।
इसलिए संत मत के आदि प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब है। कबीर पंथ से ही संत मत निकला, राधा स्वामी शाखा निकला, घीसा साहब का शिखा निकला, नानक साहब का शाखा निकला, दरिया साहब का, बुनियाद साहब का, पलटू साहब का, सब संत कबीर साहब से ही निकले हैं। इसलिए महर्षि मिहि कहते हैं सदगुरु देवी ये वर्तमान काल का दूतक है। जिस समय उन्होंने यह स्तुति बनाया उस समय उनके गुरु थे बाबा देवी साहब, ये वर्तमान काल का दूतक है सदगुरु देवी वर्तमान काल। और जो भय है ये पद भूतकाल का दिग्दर्शन करता है, उससे भी पहले बहुत संसार में हो चुके हैं उनका दिग्दर्शन इस पद में है सदगुरु देवी वर्तमान काल। और जो भय है भूतकाल होंगे ये पद भविष्य काल का दिग्दर्शन करता है, आगे भी संत होंगे कि नहीं। जिस दिन संत नहीं रहेंगे धरती पर है धरती पताल धस जाएगी, आकाश में कोनो खंभा नहीं लगा हुआ है, आप एक टेंट लगाए हैं इसमें खंभा गा रहे हैं, खुट्टा गा रहे हैं, ये खुट्टा पर टेंट खड़ा है लेकिन आकाश में कौन खुट्टा लगा हुआ है, आकाश कैसे खड़ा है, ये संत पर ही आकाश भी टिका हुआ है, सारे संसार इस संत पर ही टिका हुआ है। इसलिए महर्षि मिहवा ने कहा सदगुरु देवी अरु जो भय है होंगे सब चरणन सिरधारी, सबका मैं चरण का सिरोधार कर रहा हूँ, सबका चरण अपने सिर पर मस्तक पर ले रहा हूँ, सब चरणन सिरधारी भजत है मैं ही धन्य धन्य कही अगही संत पद आशा सारी। अंतिम उन्होंने कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दय काम जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कभी कभी आप लोग स्टेशन पर गए होंगे गाड़ी पकड़ने के लिए, आपके बगल में फारबिसगंज जंक्शन है और गाड़ी आने की जब संभावना होती है स्टेशन पर अलाउंस होता है, क्या अलाउंस होता है, अलाउंसर अलाउंस क्या करता है, कहता है यात्रीगण यात्रीगण कृपया ध्यान दे, दिल्ली जाने वाली सीमांचल सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, सीधे कहना चाहिए वो अलाउंसर को कि दिल्ली जाने वाली सीमांचल सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ये बात क्यों कहते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, यात्रीगण जितना बार अनाउंस करता है उतना बार कहता है यात्रीगण कृपया ध्यान दे। हो सकता है यात्री कहीं गप सड़क का में लगा हो, यात्री कहीं खैनी खाने में लगा हो, यात्री कहीं बीड़ी पीने में लगा, मैं देखता हूँ स्टेशन पर यात्री है बार बार अनाउंस होता है, गाड़ी जब खुल जाती है तो बहुत आदमी लबड़ा बार बार अनाउंस हो रहा था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे यात्रीगण कर। उसी तरह से महर्षि वह कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, इस बात पर महर्षि वह का पकड़ है। महर्षि वह कहते हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दय कान मेरी बात को कान खोल करके सुनो है, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। बेटा तो जीवन में कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, निर्वाण चाहते हो तो संतों का संतान बनो। कबीर साहब ने जोरदार भाषा में बीजक में कहा कि ये मर जीवा अमृत पीवा क्यों धसी मरसी पतार, गुरु की भक्ति साधु की संगति निकस आओ यही द्वार। कोई दूसरा गेट निकलने का नहीं है, इसी गेट से आप पार हो सकते हैं। तो आप धर्म को समझे, आप चले जाएंगे तो पर भी आपका नाम संसार में अमर रहेगा है। कबीर साहब का जीवन ऊपर से बेदाग था और अंदर से बेलाग था। बड़ा बहन कबीर साहब का भजन सुनते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी, इस भजन के अंतिम कड़ी है कि सो चादर सुरनन मुड़ी ओढ़े, ओढ़ ओढ़ के मैली कीनी, ताही कबीर जतन से ओढ़े, ज्यो का त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर का जीवन बेदाग था, बेदाग था, किसी प्रकार का दाग नहीं लगा कबीर साहब के जीवन, ऊपर से बेदाग था अंदर से बेलाग था। कबीर साहब किसी के गुलाम नहीं थे, कबीर साहब किसी में चिपके हुए नहीं थे, कबीर खड़ा बाजार में
सबसे मनावत खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीर साहब को न किसी से दोस्ती थी न किसी से बैर था, इसलिए ऐसा जीवन जी करके आज कबीर अमर है। पीएचडी में कबीर की वाणी पढ़ाई होती है, दूसरे कवि के बानी लेकर के आप पीएचडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कबीर साहब की बानी से आप पीएचडी कर सकते हैं। रविनाथ टैगोर ने गीतांजलि का रचना किया, उन्होंने कबीर साहब को 100 पदों को संकलन किया, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट किया गया, नोबल पुरस्कार पाया था रविनाथ टैगोर कबीर के दर्शन पर। कबीर का जो दर्शन है वो तर्कातीत है, और का दर्शन कट जाता है, रामचरितमानस का दर्शन कट जाता है, उसमें जातिवाद है, उस पर बहुत से पुस्तकें निकली है, दिल्ली से प्रकाशित है। हिंदू धर्म के पथभ्रष्ट गोस्वामी तुलसीदास उन्होंने कहा है कि जे बरनाद हम देली कुम्हारा, सुबज की रात कोयल कलबारा, नारी मुई गिरी संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्नासी। आधा दर्जा आदमी को गोस्वामी जी ने छाड़ दिया, इन लोग का भगवान की भजन भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कबीर साहब ने आपको उठाया है, आपको जगाया है। कबीर साहब को लोगों ने जोलहा कहा, जोलहा, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है जोलहा माने जिसको लह गया, जिसको लह गया उसका नाम है जोलहा। जोलहा परिवार में झुग्गी झोपड़ी में कबीर साहब पाले पोसे गए, और कबीर साहब ने सबको उठाया, धर्म को समझा, इसलिए धर्म होगा तो जस होगा। धर्म वैराग, कबीर साहब में वैराग भरा था, इसे वैराग का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का राग न हो। पूरे इनका बात को देखते हैं, उसका पीठ रहता है पानी में, छाती वाला भाग पानी पड़ होता है, अब पानी देने पर उसमें आड़ता नहीं है, धड़क करके नीचे गिर जाता है। कबीर साहब ने कहा कि जल ही में पूरे ने जन्म ले तू है, जल ही में करत पसारा हो, वाके पात नीरो नहीं अटके, अढ़की खसे जैसे पारा हो। आपका जीवन वैराग्यमय जीवन हो। धर्म जस वैराग्य सीढ़ी, महापुरुष के नाम में हम सीढ़ी लगाते हैं, सीढ़ी, उसके बाद में है ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान भी बहुत प्रकार का ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति के लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। ऐसे मानव जीवन जीने के लिए तीन चीजों की आवश्यकताएं हैं, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन तीन चीजें मिल जाने के बावजूद भी जीवन में शांति नहीं मिलती है। शांति के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है, अध्यात्म के बिना आदमी का जीवन अधूरा रह जाता है। कितना हूँ धनवान, कितना हूँ गुणवान, कितना हूँ बलवान क्यों न हो जाए, सत्संग के बिना अध्यात्म का जीवन अधूरा रह जाए। धर्म जस वैराग्य सीढ़ी, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, ये छह शक्ति जिसमें पाए जाते हैं उसका नाम भगवान। और कबीर साहब के दर्शन में सब प्रश्नों का उत्तर है। उन्होंने ये कहा कि जिसमें कुछ भूल नहीं भगवान उसी को कहते, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं हुई उसका नाम है भगवान। भूल है पर माने नहीं, शैतान उसी को भूल है, अब भूल को नहीं मानता है उसका नाम शैतान होता है। भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते भूल है, और साज भूल हो गई है कल से भूल नहीं होगी, सत्संग में आकर के उसको सुधारना चाहता है, मिटाना चाहता है, उसका नाम इंसान है। भूल करे पर धन मिले विधान उसी को, भूल कीजिएगा तो धन मिलेगा। दुनिया के लोग आपको माफ कर दे, ये प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। भूल करे पर धन मिले विधान उसी को कहते हैं, घट घट में चेतन वास करे राम उसी को कहते हैं, संतों का जहां सत्संग मिले चार धाम उसी को कहते हैं, माता पिता और गुरु को नित्य सेवा करे संतान उसी को कहते हैं, जिसमें कुछ भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। आप अपने भूल को मिटावे, आप ही भगवान है, आपके ऊपर कोई परमात्मा ईश्वर अलग से नहीं है, आप अपने भाग का विधाता आप हैं। हैं कबीर परिचय का एक साकी है कि कबीर काहू अस कही,
कान काग लिए जाए कान न टोबे बाबरा खोजे दोहुत स्थाय। किसी अनभिज्ञ व्यक्ति ने किसी भोले मनुष्य से कहा कि तुम्हारा कान कौवा ले जा रहा है। वो भोले मनुष्य ने कान को नहीं टटोला और कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। आज यही दशा इस मानव की है। मन गोट के खोज में परमात्मा के खोज में दर बदर गोते खा रहे हैं, लेकिन आपका परमात्मा आपके घट के अंदर है। आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, इसलिए ये भूल को मिटाने के लिए ये सत्संग का आयोजन होता है। अब बराबर सत्संग में आएंगे, नित सत्संग माया मोह छूटे, नित खारसान लोह घन टूटे। जिस पटरी पर बराबर गाड़ी चलती है वो पटरी बिधाती नहीं है, उसमें जंग नहीं पकड़ता है। जिस पटरी पर गाड़ी नहीं चलती है वो पटरी बिधा जाती है, उसमें जंग पकड़ लेता है। जो आदमी अपने कपड़ा को डेली साफ करता है उसका कपड़ा जल्दी गंदा नहीं होता है। गंदा भी होता है तो कमे पानी में कमे साबुन में कपड़ा साफ हो जाता है। सत्संग नित करने का चीज है। बड़ा बड़ा आप सत्संग करें, बड़ा